विशेष अक्टूबर का महीना है और इसी अक्टूबर के महीने में सदगुरु साईनाथ दशहरे के दिन 2:30 पर अपने शरीर को प्रत्याग किया था। इस पावन समाधि वर्ष का जो माह चल रहा है, इस माह पर जो श्रद्धालु जिस जिस भाव से योगी राज को नमन करेगा, योगी राज अपने भक्तों की सभी प्रकार की संकट कष्ट को दूर कर देते हैं। फिर साईं सरिता में जो आपको श्री साईं बाबा के जन्म की कथा बताया, उसके आगे साईं बाबा को उनके गुरु महाराज ने सिर पर आशीर्वाद स्वरूप एक हाथ रखते हुए कहा कि तुम पिछले जन्म में कबीर थे और इस जन्म में तुम्हारा गुरु रामानंद था। मैंने अपने पिछले जन्म के समान मुझे इस नवीन जन्म में भी मैं तुम्हारे कारण अपने इस तपस्वी जीवन का परित्याग करना पड़ रहा है। इस प्रकार मेरी समाधि लेने के उपरांत तुम अपने सहस्त्र वर्ष पुरानी कर्म भूमि में जाकर अपना बसेरा बनाओगे और ऐसा बसेरा बनाओगे कि तुम्हारा जीवन में चमत्कार से नाम विख्यात होगा और यह आजीवन आप अविवाहित रहकर मोह और माया से दूर रहना, लौकिक पदार्थ एवं विषय वासनों को स्वयं सदा के लिए मुक्त रखना। इतना पावन चरित्र साईनाथ बाबा का इस महासमाधि के महान पर्व पर या साईं सरिता में आपको मंगल अमंगल नाश करने वाली यह कथा प्रेरित कर रहा हूँ। इस प्रकार स्व और संसार को एक मानकर अखंड ज्योति प्रज्वलित रखना, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं तुम्हें अर्पण करेगा तुम उसका सदा संरक्षण करना। कितना अच्छा यह भाव चरित्र है। उनके गुरु महाराज ने इस शिष्य बालक को जो शिक्षा दिया और शिक्षा यही दिया, ईश्वर को सम मनुष्य को सम बनाकर एक अखंड ज्योत प्रज्वलित करना। जो भक्त तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास के साथ आएगा, तुम अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते रहना। फिर उनके गुरु महाराज गोपाल राव जी एक दीर्घ विश्वास ली और अपने शिष्यों को सेवकों को बुलाकर अपने समीप बुलाया और उस भय के कारण अभी तक उनके चेहरे छिपे हुए थे, जो शिष्य गुरु महाराज से भयभीत हो गए थे उनके चेहरे छिपे हुए थे। फिर गुरु महाराज ने उस बालक को अपने साथ लेकर जहां उनका सबसे प्रिय सेवक प्राणहीन था, उन्हें एक क्षण उस मृत सेवक की ओर देखा और मौजूद अन्य सेवकों को शिष्यों को बताया, जिन्होंने अपनी सारी देवी शक्ति सिद्धि से अद्भुत बालक को प्रदान कर दी। फिर उनके सम्मुख इस कथन को प्रमाणित करने के लिए उन्हें अपना अद्भुत शिष्य को उस मृत सेवक को या बालक अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से पुनः जीवित करने का आदेश दिया और उस क्षण वह बालक उन श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में झुककर स्पर्श किया और चुटकी भर धूल उठाकर उस मृत सेवक के माथे में लगा दी। ऐसा करने से मृत सेवक तत्काल जीवित हो गया। इस अद्भुत चमत्कार वहां मौजूद सब लोग गहरे आश्चर्य में डूबो दिए। यह बालक जन्म से ही चमत्कार भक्तों को दिखाया। इनके गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद और गुरु का एक दिव्य सिद्धि इन्हें प्राप्त हो गई थी। फिर क्या हुआ कि अगले दिन गुरु महाराज दोपहर के 2:00 इधर साईं बाबा ने 2:30
30 मिनट में समाधि ली। इनके गुरु महाराज ने दोपहर 2 बजे आश्रम के सभी शिष्यों को अपने साथ बुलाया और बुलाने के बाद अपना अंतिम आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, आज मैं इस शरीर को प्रत्याग कर रहा हूँ, जिस स्थान पर मैं अपने जीवन को त्याग करूँगा, कुछ दिनों के उपरांत मेरी पुण्य स्मृति में एक पीपल का वृक्ष उत्पन्न होगा और उस वृक्ष के उत्तर दिशा में लगभग 7 फीट की दूरी पर जमीन पर खोदोगे, तुम वहाँ 3 फुट लंबी भगवान विष्णु की 4 हाथ वाली नीले रंग की एक पत्थर की मूर्ति मिलेगी। मेरी पुण्य स्मृति में उस जगह एक मंदिर बनाकर भगवान विष्णु को पावन मूर्ति वहाँ स्थापित कर देना। इस मास महीने में भगवान विष्णु का यह पावन महीना है और इस कथा का भाव यही है कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। तत्पश्चात गुरु महाराज ने गीता के 18वें अध्याय को एकाग्रचित्त होकर स्वयं पाठ किया और उसके उपरांत उस बालक को अतिरिक्त अपनी सभी भक्तों शिष्यों को सम्मुख बुलाकर विष्णु सहस्र नाम का जाप करने का आदेश दिया। जब जाप के दौरान गोपाल राव जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कमर से बंधा हुआ कपड़ा को खोलकर अपना कफन बनाने के लिए उस बालक को दिया और उसके कानों में अपना अंतिम मंत्र फूंकते हुए उसे तत्काल आश्रम को सदा के लिए छोड़ देने का गुरु महाराज ने आदेश दिया। उस बालक ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार उनके चरणों पर अपना अंतिम नमन किया और अपनी पुण्य स्मृति में उनसे भेंट करने के लिए जो ईंट उनके पास सुरक्षित रखा गया था वो आश्रम से चुपचाप ईंट को लेकर बाहर चल दिए। बालक के जाने के पश्चात गुरु महाराज ने 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने नाश्वर शरीर को परम लोक में अर्पण कर दिया। इस प्रकार बालक उस दिनों के बाद सिल्ली ग्राम में कथा अनुसार एक नीम वृक्ष के तले साईं बाबा एक तपस्वी बालक के रूप में सर्वप्रथम चोपादार की माँ ने दृष्टि गोचर से देखा और नीम वृक्ष के सिल्ली ग्राम की बाहरी सीमा पर एक ऐसी जगह स्थित थी जिसके आसपास उन दिनों कोई बस्ती नहीं थी, बस एक टूटी फूटी सी कच्ची ईंटों की दीवार थी। उस दीवार के समीप दाई और उत्तर दिशा में एक कच्चा नाला बहता था जिसमें सदा ही उस गांव का पानी गंदा बसूर पानी ठहरा रहता था। ठहरे हुए गंदे पानी के कटेली झाड़ी और कांटेदार कटेक हमेशा उगे रहते थे। इसके अतिरिक्त उस गांव के निवासियों ने अपने घर का कूड़ा कचरा उस दीवार के समीप फेंका करते थे और उस कूड़ा करकट के फेंकने से ऊंचे बड़े बड़े ढेर एकत्रित हो गए थे जिसके कारण दूसरे ओर स्थित नीम वृक्ष की ऊंची ऊंची टहनियां अतिरिक्त वहां कुछ नहीं होता था। ऐसा अनुमान है कि सेलू आश्रम छोड़ने के पश्चात बाबा तरुण सन्यासी संभव तक 1855-56 में सिल्ली में पहली बार आए थे और उस नीम वृक्ष के तले हर क्षण अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उस नीम वृक्ष के समीप मगेसा और अनेक छोटे वृक्ष थे, सदा वो कच्ची और मुलायम पत्ती उपलब्ध रहती थी। भोजन के लिए युवा सन्यासी मगरोसा की पत्ती खाकर जीवित रहता था। इस तरह लगभग 2 वर्ष तक वहाँ उस सन्यासी बालक की उपस्थिति को किसी को बोध नहीं हुआ। इस प्रकार सन 1857 और 58 में जब तरुण फकीर शिरडी में उस नीम वृक्ष के तले अपनी साधना में लीन था, तब नाना चोपदार की माँ ने वहाँ सर्वप्रथम
दृष्टिगोचर हुआ। उस महिला ने गांव के कुछ लोगों को इस अद्भुत तरुण फकीर के विषय में बताया और गांव के अनेक लोग उस तरुण फकीर को फकीर के दर्शन के लिए वहां इकट्ठित हो गए और उस भीड़ में महापति काशीराम और अपनी 7 वर्षीय पुत्र तात्या के साथ वाजामाई मौजूद थी। सन 1900 में चोपाजाय की मां ने कुछ साई भक्तों के समक्ष उपयुक्त कथन की पुष्टि की थी कि साई चरित्र साई सरिता पुस्तक में दबलोगा जी के इस कथन की पुष्टि साक्षित किया गया है। सब लोग स्वस्थ एवं रूपवान तरुण और कठिन घोर तपस्या में लीन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें देखकर उनके चारों ओर एकत्रित होने वाली भीड़ शेर की तरह उसके प्रभाव में नहीं पड़ा और अपनी दोनों आंखें बूंदे अपनी साधना में पूर्ण उस अद्भुत तरुण फकीर ने सिंधी ग्राम के लोगों से चर्चा का एक विषय बन गया। एक दिन वे सन्यासी किसी भी कभी कोई वार्तालाप नहीं करता था, हर क्षण अपनी तपस्या में लीन रहता था। रात्रि में समीप के घने जंगलों में जाकर निर्भय होकर अकेले घूमा करता था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सदा यही पूछते थे कि यह युवा सन्यासी शिरडी में कहां से आगमन हुआ है और किसी को कोई खास उत्तर नहीं मिला। इस प्रकार इनका अब शिरडी में आना होगा। चांद भाई पाटिल के साथ अब यहाँ से साई सरिता की जो कथा है आपको कल मैं और अच्छे भाव से आपके अर्पण करूंगा। साईं बाबा की